हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, वेलकम टू माय चैनल। और गाइस, मैं हूँ अभी छत पे। मैंने कहा ब्लॉग होगा, ब्लॉग तो पहुँच ही नहीं रहे हैं क्योंकि नेटवर्क का बहुत इशू है। कल मैंने डाला तो वो भी बहुत वेटिंग में चल रहा है, वेटिंग नेटवर्क दिखा रहा है। और यहाँ पे हम छत पे आए हुए थे तो मैंने सोचा मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ। अभी मैंने जस्ट कैमरा मंगाया तो मैंने कहा चलो चालू कर लेते। और मैं यहाँ अपने देवर के साथ में लगी पड़ी हूँ छत पे, बातें कर रही हूँ, मस्ती कर रही हूँ क्योंकि कपड़े सुखाने आई थी ना। बस साइड में ना चारों तरफ जंगल ही जंगल, आप लोग देख सकते हैं ना चारों तरफ, तो वही हम सब लोग देख रहे थे। काफ़ी यहाँ से एरिया भी बहुत ज़्यादा देखो पहाड़ी टाइप में है, ये देखो, वही हम सब लोग देखे जा रहे थे। काफ़ी मस्ती कर रहे हैं क्योंकि आज सबको निकलना है और आज दुल्हन की विदाई भी है, यानी कि चौथी की रस्म है। तो दुल्हन आज चली भी जाएगी और पग फेरे की रस्म जो होती है और आ भी जाएगी, आज ही आ जाएगी। तो आज भी हम लोगों का जाने का विचार है, आज ये भी निकल जाएगा। सारे गेस्ट चले गए, सिर्फ हम ही लोग बचे हैं, तो हम लोग को भी निकलना है। तो हम लोग तो आज ऐसे ही निकल जाएंगे बस से ही, क्योंकि कोई लेने नहीं आ रहा है। तो अब वैसे भी इतनी छुट्टियाँ होंगी, कौन लेने आएगा यार। मैंने कहा आज का ब्लॉग थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं, जाने की घड़ी आ चुकी है। तो बहुत बुरा लगता है जब अपनों को छोड़ के जाओ। तो चलो, और हम सब तो मस्ती करते ही रहते हैं आपस में ऐसे ही, तो कुछ ज़्यादा ही है। देखो कैसे कहाँ कहाँ खड़े होके देख रहा है मुझे, अपना चेहरा खुद नहीं दिख रहा धूप में। क्या कह रहे तो कह रहा बेर का पेड़ दिखा दो। हाँ, बेर लगे हुए हैं ना बहुत ज़्यादा। तो मैं कह रही थी बेर तोड़ो, बेर तोड़ो, तो बोला मैं डंडा मारूंगा, तुम नीचे से बेर समेट लेना आके। तो बस अब वही एक दो तोड़ेंगे जाके हम। तुरंत ऐसे हाय हो जाती इसकी, तुरंत ही हाय करेगा, तुरंत देखें, तुरंत ही हाय। तो बेर का पेड़ मैं अभी दिखाऊंगी, जब ये तोड़ेगा ना तब मैं दिखाऊंगी। गंदी ये नहीं, तो मार गिर जाते हैं। क्या कह रहे हो? गंदगी है तो नीचे गिर जाते हैं। हाँ, और नीचे काफी सारे पड़े भी तो है ना, उसमें समझ में भी नहीं आएंगे कि कौन से तुमने गिराए हैं। पेड़ थोड़ा बड़ा होता ना। और कितना यार, इतने ही बड़े होते हैं पेड़ के, ज्यादा ज्यादा बड़े नहीं, इधर साइड में थोड़ा होता तो आराम से तोड़ लेते। सो गाइस, मैं नहीं देखो जग गई, अभी मैं जस्ट लेके आई हूँ एनी को। एनी को भी मैं थोड़ा धूप में लेके आ गई हूँ। और सब लोग नहा धो रहे हैं, काम में लगे हैं, खाना वाली आएगी, खाना बनाए, खाने का टेंशन तो है नहीं अभी। अब धूप ही काफी तेज पड़ने लगी, ज्यादा धूप में बैठ भी नहीं सकते। कुछ भी होता रहता है यार। एनु हाय करो, हाय करो, हाय। हाँ, स्पीड में भागती है, कहीं निकल ले तो और दिक्कत। मम कहती है, मम 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 है ना बाबू, क्यों बाबू क्या है मम। दादी की है, कह रही दादी दादी इधर आ, इधर जुबू दो, बू बू बू, क्या पकड़ा, उंगली पकड़ा, डंडा अरे चाहिए चाहिए दादी की, मैक्सी डंडा कुछ भी मिले इस लड़की को। ये लोहे का है, मत कर बाबू हिल जाएगी तू, रहने दे। इधर आ, इधर
देखा होगा क्या, वो एक्चुअली पला पाला जाता है ना हम लोग के यहाँ पे, जब विदाई होती है लड़के वाले के, लड़की वाले के यहाँ बांधा जाता है, तो वही सब तैयारी हो रही थी। और यहाँ भी हम लोग तैयारी करने में लगे हुए हैं, क्योंकि सारा सामान जो आया था ना लड़की के, लड़की वाले की तरफ से, तो ऐसे ही सब पड़ा था, कुछ टाइम ही नहीं मिल पाया, इतने गेस्ट, कुछ डेकोरेशन, कुछ भी सामान सेट नहीं हो पाया। तो ये बाहर सोफ़ा रखा था, सारे सोफ़ा अंदर चले गए हैं, तो ये लास्ट वाला बचा हुआ है। तो मैं और बिक्की ले जा रही हूँ सोफ़ा, बहुत मस्ती करें, क्योंकि घर में कोई है भी नहीं, कोई बड़ा होता तो फिर इतना टेंशन नहीं होता ना, तो घर में कोई है नहीं तो हम ही सब मिलके करे ले रहे, होना भी चाहिए ना, मिल बांट के सब काम कर लो तो ज़्यादा बेस्ट होता है। ये नहीं होना चाहिए कि हमारा घर नहीं है तो हम नहीं करेंगे, ये नहीं, तो यार कर देना चाहिए। अगर किसी की हेल्प हो रही है, अगर वो खुश हो रहा है, अगर उसकी हेल्प अच्छे से हो जाती है, तो कर देना चाहिए अपन से, है ना। तो हम लोग पीछे गेट से लेके आ रहे हैं, क्योंकि आगे गेट के जो दरवाजे वो थोड़े छोटे छोटे हैं, तो इस वजह से सोफ़ा घुसने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। तो हम लोग पीछे से राउंड में घुमा के इतना लंबा चल के आए हैं यहाँ सोफे को लेके। तो मैं और बिक्की ही चढ़ा रही हूँ यहाँ पे दोनों लोग। तो यहाँ पे ऊंची नीची जगह है ना, क्योंकि अभी यहाँ पे रोड नहीं बना ना, मैंने आप लोग को बताया हुआ था ना, यहाँ पे अभी पहाड़ी एरिया और यहाँ पे अभी रोड वोड नहीं बना है, ऐसी पहाड़ों के बीच में मकान बना हुआ है, तो ऊंची नीची जगह है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे वही फंस रहा था फिर से ये भी, लेकिन मैंने कहा चल तिरछा करके निकालते हैं, तो बोला हाँ भाभी तूने आइडिया तो सही दिया, तिरछा करके निकालते हैं। तो फिर वो बोला कि भाभी तू यहाँ आ जा, मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, तो तिरछा फिर करता हूँ। मैंने कहा चल ठीक है। तो फिर मैं वही सोच रही थी कि मैं अब ऊपर कैसे जाऊँगी, तो फिर ऊपर भी पहुँच गई। वही है, कोई काम करने बैठो तो ऐसा नहीं है कि हो ना, बस अच्छे से करना चाहिए खुश होके। तो और यहाँ पे जो वीडियो बन रहा था वो निधि दीदी बना रही थी, एक्चुअली वो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही थी यहाँ पे, तो क्या नाम उनकी वीडियो, सोचा मैंने वॉइस डाल दूँ, लेकिन मैंने कहा चलो हटा दो यार, मेरी भाभी ऐसे कर रही हैं, मेरे भैया जी ऐसे कर रहे हैं, भाभी ने स्लीपर नहीं पहनी है, तो मतलब वही सब मस्ती हो रही थी और हम लोग हंस रहे थे। और यहाँ पे वो मेरे को चढ़ा रहा, तो मैं कह रही कैसे चढ़ूंगी कैसे चढ़ूंगी, लेकिन अब वही है ना, मेरी आदत है ये सब उथल पुथल करने की, मेरे को अच्छा लगता है। तो देखो मैं फटाफट चढ़ाई, इतनी ऊंचाई थी फिर भी, और अब हम लोग तिरछा करके निकालेंगे। अब ये नीचे जा रहा है, क्योंकि कह रहा था भाभी मेरे को पकड़े रहना वरना मेरे को तुम टपका दो। मैंने कहा नहीं नहीं मैं आराम से तुमको पकड़े रहूंगा। तो देखो हम दोनों बस लगे हुए थे कि जैसे तैसे करके एडजस्ट हो जाए, सारे गेस्ट लोग आएंगे तो कहाँ बैठेंगे। यहाँ पे लड़की के घर वाले आ गए हैं, तो ये लड़की के घर वाले आते ही लड़की को ये शगुन देते हैं, तो ये उसके भाई ने शगुन दे के पैर छुए थे और ये सब। तो मैं आ गई हूँ किचन में, काम वाली मतलब खाना बनाने वाली तो आ गई थी किचन, तो आप लोग देख रहे इतना मैसी हो रखा। और यहाँ पे ना जो न्यू मिक्सी ग्राइंडर आया है, तो उसी का शगुन किया है कि आज अच्छा दिन है, चलो खोल लेते हैं इसको और यूज़ कर लेते हैं। तो मैं मसाला मेरे को जो है वो ग्राइंड करने हैं। और यहाँ पे यार काम वाली वो अकेले यार क्या कर लेंगी खाना, तो मैं उनका हाथ बटा रही हूँ कि जल्दी जल्दी सब काम हो जाए, तो सब मिल बांट के ही कर रहे हैं। तो हाय गाइस, अभी जस्ट हम बैठे हुए हैं किचन में, सारा ऐसे ही सामान पड़ा हुआ है और सब लोग आ गए, यानी कि लड़की के घर वाले आ गए लेने के लिए, तो वही नाश्ता वगैरह चल रहा है। मैं देखो रेडी नहीं हुई, ऐसी बैठी हूँ, तो मम्मी वही बोल रही थी अभी तक तुम रेडी नहीं हुई हो। मैंने कहा कोई नहीं क्या करूँ। तो और इसके जो दिमाग कुछ ज़्यादा ही बहुत तेज है, मतलब कुछ भी होता है। मेरे नहाने के टाइम पे पानी ख़त्म हो गया, तो निधि दीदी देखो ऊपर पानी भर रहे हैं टंकी पे, और बस ये भर जाए तो मैं फटाफट जल्दी नहा लूँ, नहाई धोई नहीं हूँ। यहाँ पे नई बहू रानी का मैं कर रही हूँ मेकअप, उसने साड़ी तो पहन ली है, क्योंकि मैं और काम में भी बिजी हूँ और पानी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इस चक्कर में मैं नहाई भी नहीं, ऐसी घूम रही हूँ इतनी देर से। लेकिन मैंने कहा मेरे को कौन जाना है, इसको जाना है अभी, तो जल्दी से इसको रेडी कर देते हैं फटाफट, तो मैं उसी को रेडी कर रही थी। ज़्यादा अच्छा तो मेकअप नहीं, लेकिन अच्छे से उसको फिल करके मैं कर रही हूँ, कोशिश तो कर रही हूँ कि अच्छा खासा मेकअप हो जाए उसका। यहाँ पे मम्मी लगा रही हैं सबके लिए खाना, तो यहाँ पे बिक्की देखो पूड़ियाँ तल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा काम अगर खाने वाली आई तो उसी के ऊपर पूरा प्रेशर डाल दो, ऐसे नहीं, सब मिल बांट के करो। तो यहाँ मम्मी लगा रही हैं, यहाँ भैया पानी दे रहे हैं, देखो स्मेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे बिक्की पूड़ियाँ तल रहा है, और मैं भी सब
हैनी को देखी हूँ और यहाँ पे ये मेगा रेडी हो गई है। तो यहाँ पे दो दो उसकी भतीजी भी आई हुई है, वो देखो साइड में। तो बच्चों का यही होता है ना, सब सामान इसका मेकअप का निकाल के इधर उधर फेंक दिया है। तो बेचारी उसी का पूछ रही, भाभी इसका होल कहाँ है? मैंने कहा बेटा मेरे को नहीं पता है कहाँ है, सब इधर उधर फेंक रहे हैं बच्चे। तो बच्चों का तो यही काम होता है। मेगा देखो अच्छे से रेडी हो गई है, कितनी प्यारी लग रही है। आप लोग बताना, नहीं तो लेना, आप लोगों को कैसी लगी है। वो यहाँ पे तैयार होने के बाद मैंने मेगा को बोल दिया था, जब तुम तैयार हो जाओ तो उसके बाद ही आलता लगाना, क्योंकि ऐसा होता है फुल तैयार हो जाओ उसके बाद आलता, आलता के बाद सिंदूर लगा जाता। तो यहाँ पे वो कोंचा लेके ही आलता लगा रही है। सो मैंने यहाँ पे सब लोगों की थोड़ी सी क्लिप ले ली है, और देखो ये हंस रही लड़की की सिस्टर और भाई लोग हैं। तो मैं यहाँ पे वही मेगा से कह रही हूँ, मेगा मैं तो देखो यहाँ पे ना कंजड़ बनी घूम रही हूँ, तो मस्त रेडी हो गई है। और अब जब ये जाएगी उसी के बाद मैं भी निकलूँगी। तो अब जाने की तैयारी हो चुकी है, मम्मी यहाँ इसको कुछ बता रही हैं कि वहाँ से जाने के बाद क्या क्या रस्म करनी है, क्योंकि आज ही इसका पग फेरा है ना, आज ही मायके जाके आज ही इसको वापस आना है, क्योंकि सुबह टाइम यही चल रहा है। तो यही सब बता रही हैं कि क्या क्या करना है। तो और जो क्लिप थी बनने को, वो मैं सोच रही थी बन रही है, बट वो बन नहीं पाई। यहाँ पे मैं डलवा रही हूँ कोंचा, इसलिए सूप में लेके मैं ही कोंचा डालूंगी। मैंने आप लोगों को वीडियो के जरिए सोचा है दिखा दूँ, बट वो भी क्लिप रह गई है। यहाँ पे मेगू देखो ये सब अपने, मैंने इसको कोंचा डाल दिया, वो क्लिप जो बनाई हुई थी वो पता नहीं कैसे रह गई, बहुत ही। मैंने कहा अपना लास्ट कल्चर तो आप लोग को दिखाई दूँ जाते जाते टाइम क्या है, बट वो मिस हो गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। तो यहाँ पे कोंचा डाल के लड़की पूरे घर में अनाज डालती है कि घर भरा भूरा रहे, और सबके बस पैर छू के आशीर्वाद लेगी। और भैया भी खड़े हुए हैं, सब लोग खड़े हुए हैं, और बस जा रही है। अब शाम को भैया लेने जाएंगे रात तक इसको, तब तक हम लोग भी निकल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हम लोग को भी यहाँ पे रुके। तो और भी काम देखने हैं घर जाके, तो यहाँ पे जा रही हैं। नहीं नहीं दुल्हन, ये देखो। सपोर्टिंग में और मेरी छोटी को सपोर्ट करती रहे, बहुत स्ट्रगल करती है और बहुत मेहनत करती है वीडियो बनाने के लिए। मैं घूम कर रहा हूं, सुनाई दे रही हूं, सब सुनाई दे, बाद में डालेंगे सर। ये देखो भाई, सपोर्टिंग बॉय बैठे हैं मेरे लिए, सारे सपोर्ट। ए मैंने ऐसे किया तो आयनू भी ऐसे कर रही है, सपोर्ट करिए। ने बहुत मेहनत करती है ये वीडियो बनाने के लिए, प्लीज 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 सपोर्ट कीजिए। तो भाई दुल्हन रानी तो चली गई है, अब हम लोग भी यहाँ से मेरी भाभी बहुत मेहनत करती है, अभी गेस्ट आए थे उनके लिए खाना पीना इन्होंने जो तैयार किया है, और इन्होंने तैयार किया और इन्होंने सर्व किया है, बनाया ये सुबह से ना ही तक नहीं है। वो मैं पहले बता चुकी बाइटी पे नहा ही नहीं हूँ भाई, घूम रही। चलो तो गैस मैं अभी बस नहा धो के रेडी होके आप लोगों से मिलूंगी।
जी गाइस, ये देखो मेरा सामान पैक हो गया। सामान तो सारा भेज दिया था ये भैया ने, मतलब इन लोगों ने इतना ज़्यादा मतलब नाश्ता पानी ये सब बांध दिया है ना, तो सब ले जाना पड़ रहा है। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, बस से ही निकलना है, तो इसलिए जल्दी टाइम पे पहुँचना है। तो यहाँ पे बस मिल गई है टाइम पे पहुँचते पहुँचते जल्दी से। और यहाँ पे बिक्की ना हम लोग को पानी की बोतल लेके दे रहा है, क्योंकि पानी घर से लाना भूल गए थे, तो पानी की बोतल जल्दी जल्दी दे रहा है। और यहाँ पे इसको चाहे जितना मना करो ना, वो कुछ ना कुछ दे ही देता है। तो एनी के लिए ये सब चीज़ें ले रहा था, मैं उसको ये रोक रही थी, इसकी क्या ज़रूरत, दुनिया भर का दे दिया इसने, तो बाय कर रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है इसको भी, कितने दिन भाई साथ में रह लो तो अच्छा कैसे लगेगा। तो यहाँ पे पीछे से भैया भी आ रहे हैं बाइक से, तो भैया भी बोल रहे हैं अच्छा सुमी चलते हैं फिर मिलेंगे। तो वही सब है, तो यहाँ पे बात तो नहीं कर पा रहे थे, बट आप लोग को बता रहे थे। तो ये भी जा रहा है, ये भी अपने घर अभी फिरोजाबाद निकल जाएगा, हम लोग सीधा कानपुर निकल जाएंगे। तो कह रहा बाबा कर दो, कैमरा भाभी का ऑन है। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं कानपुर की तरफ, देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं 100 किलोमीटर मतलब औरिया पहुंच गए, यानी कि अपने मायके की साइड। वहां पे मैंने अपनी सिस्टर को बुला लिया था, तो मेरे से मिलने आ गया। एक्चुअली यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो रखा था, तो 1 घंटे के लिए जाम लगा था। तो मैंने अपनी सिस्टर को बुला लेते तो वो आ गई थी मिलने के लिए। और घर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि बस अगर छूट गई ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो उसको वहीं बुला लिया था। तो वहाँ से निकलने के बाद यार फिर टोल पे पहुँचते ही हमारी हो गई थी बस ख़राब, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई मम्मी को वहाँ से टोल से मतलब ऊपर ही साइड से उतारना। और फिर तो बहुत मुश्किल, क्योंकि मम्मी का हैवी थोड़ा शरीर है, तो उस चक्कर में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और यहाँ एनी ना एक लोगों ने ले रखी थी, कहते हैं ना दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी मिल जाते हैं। तो ये भैया ना हम लोग की बहुत हेल्प कर रहे थे, क्योंकि हम मम्मी अकेले और इतना सामान और बस के चक्कर में बहुत परेशान हो रहे थे रास्ते में। यहाँ 1-2 घंटे हम लोग ऐसी बैठे निकल के, पता नहीं आज क्या हो रहा है सुबह से ही। हाय गाइस, मैं देखो घर आ गई हूँ आज, और लेटी हुई हूँ अपना फ्री स्टाइल में। 8:30 पे आ पाया, आज मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी रास्ते में, बहुत ही बेकार सफ़र रहा। तो ऑटो भी आज नहीं मिली, बहुत बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई। तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, फिर टोल पे मतलब वो बस खराब हो गई, फिर यहाँ पे ऑटो का लफड़ा हो गया। तो मतलब पूरी ऐसी तैसी हो गई थी मेरी आज, पूरे दिन में ऐसी थकान सी हो गई, खाना बनना नहीं है खाना। इनको बोलते हैं होटल से लेके आ जाएंगे, बस मैंने सोचा एंडिंग तो कर ही दूँ ब्लॉग की। अब बस मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, 10 बज गया। तो गैस प्लीज़ आप लोगों का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और ये ब्लॉग मेरा थोड़ा लेट पहुँचेगा, क्योंकि और भी 4 ब्लॉग पेंडिंग में है, वहाँ नेटवर्क का इशू था इसलिए यार नहीं डाल पाया। अब नेटवर्क का कोई इशू नहीं होगा, अब डेली मेरा अपडेट मिलेगा आप लोग को। अब लाइव भी मैं कंटिन्यू करूँगी किसी दिन। तो चलती हूँ गाइस, आज का ब्लॉग ऐसा भी रहा आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो बाय, टेक केयर गाइस, गुड नाइट, फिर मिलेंगे। बड़ा सुकून मिला इन कपड़ों में आके, मुझे बहुत सुकून। सुबह बाय, फिर कल बात करते हैं आप लोगों से, सोचूंगी लाइव पे आऊँ बात करूँ। ओके, टेक केयर, गुड नाइट।